बहुत तकलीफ दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, कोई बात नहीं, जितना दर्द देंगे ना उतना ही उसका दोगुना दस गुना इनको देना है वापस, और हम बता देंगे इनको शिवसेना क्या है। अरे मर्द का बच्चा है तो आ जाओ अंधेरी में, माइंड में बोल के बोल रहा हूँ, अंधेरी में आ जाओ आपको बता देंगे कौन शिवसैनिक और क्या शिवसेना है। तो बच्चा चुराने वाली थी कि अपने बाप चुराने वाली थी, इन लोगों को मालूम नहीं इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोए हुए शेर को जगा दिया। मैं बोल रहा हूँ ये माँ का पल्लू खींच के हंसने वाले और पिताजी के सामने दांत दिखाने वाले इन लोग इंसान को इतना बड़ा बना दिया। वो हम हमारी माँ है, शिवसेना जी थी हमारी माँ थी, आज उन्होंने उनका एक 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 वस्त्र उतार रहे और साइड में बैठ के साइड में देख के तमाशा देख रहे हैं, हंस रहे हैं, देखो देखो इसका सिंबल गया, देखो इनका नाम गया, हंस रहे। बहुत साल पहले अंग्रेज आए थे और जो उन्होंने डिवाइड एंड रूल ये जो उन्होंने प्रिंसिपल रखा था वही प्रिंसिपल अभी दिल्ली सरकार रख रही है। जो सिंबल हम हाथ में ले लेंगे वही सिंबल हमारा जिता के छोड़ेंगे, जिता के जिता के जिता के, ये जितने हम लोग छोड़ेंगे तो हम जो सिंबल बताते हैं वो लोगों के दिल में बैठ जाता है। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह, इस वक्त हम दादर में उपस्थित हैं, हमारे साथ यहाँ पर कुछ शिवसैनिक उपस्थित हैं। इस समय महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति में उठा पटक लगातार चल रही है, शिवसेना में ही जिस तरीके से कलह चालू है, शिंदे गुट हो या फिर उद्धव गुट, दोनों की तरफ से इलेक्शन कमीशन को नाम सुझाए जाने हैं, किस तरीके से इसको लेकर लगातार महाराष्ट्र में विवाद है, और शिवसैनिकों की आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ उनकी अंदरूनी भावना है, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा इस पर हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर क्या कुछ कहना है, इस समय शिवसेना का नाम छीन लिया गया है, शिवसेना का सिंबल छीन लिया गया है, चुनाव आयोग के पास में आपको नाम देना है, क्या कुछ कहना है, कैसी प्रतिक्रिया? बहुत साल पहले अंग्रेज आए थे और जो उन्होंने डिवाइड एंड रूल ये जो उन्होंने प्रिंसिपल रखा था वही प्रिंसिपल अभी दिल्ली सरकार रख रही है। जो महाराष्ट्र में जब चालू है तो दिल्ली से जो जो उनका स्ट्रैटेजी चलता है उसी के ऊपर चालू है, और उन्होंने क्या किया, शिवसेना को तोड़ दिया बीच में से, घर में आग लगा दी और घर में दोनों उसको झगड़े लगा दिए। और जो चिन्ह है जो दूसरा गढ़ जो है कोई भी, शिवसेना तो हमारी ही है, शिवसेना का चिन्ह कहीं ना कहीं धनुष बाण होने के नाते एक बच्चा बच्चा जो है उसके अंदर जोश होता है, उमंग होता है कि हम शिवसैनिक है। वही बोल रहा हूँ, शिवसेना ये जो नाम है और धनुष बाण का चिन्ह है वो क्या हमने नहीं रखा था, वो प्रबोधन का ठाकरे और बाला साहब ने रखा था, शिव की सेना। हाँ शिव की सेना, ये जो वही बोल रहे हैं कि, और जो ये लोग बोल रहे हैं कि हम बाला साहब के सैनिक है, तो बाला साहब के सैनिक रहते थे तब उन्होंने गढ़ तो दूसरा बना दिया रहता था, लेकिन ये ऐसा बर्ताव नहीं करते थे, और इसी से भी इससे इसके ऊपर भी हम जाके लड़के हम उनको दिखा देंगे कि जो है शिवसेना असली शिवसेना कौन है वो दिखा देंगे। क्या कहना है सर, अब जिस तरीके से लगातार लड़ाई चालू है विपक्ष की तरफ से, शिवसेना के लिए लगातार लड़ाई चालू है, सिंबल को लेकर कहे या फिर नाम को लेकर कहे, बाला साहेब ठाकरे ने जिस तरीके से नाम रखा था, महाराष्ट्र सैनिकों के अंदर एक अलग ही जोश होता था, जज्बा होता था शिवसैनिक सुनने के बाद, अब वो सब कुछ छीन लिया गया है, क्या कहना है? नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि शिवसैनिक, शिवसेना ठीक है पार्टी का नाम के हिसाब से वो एक टेक्निकल बात है, लीगल बात है, उस हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन शिवसैनिक है जो शिवसैनिक ही रहने वाला है ना, मरते दम तक शिवसैनिक, मरते दम तक रहने वाला है, शिवसैनिक ही रहने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। रही बात सिंबल के बारे में, तो सिंबल हम लोग के लिए ठीक है, धनुष बाण हमारा प्यारा था, हमसे बहुत दिल से नजदीक था, लेकिन एक जो सिंबल हम हाथ में ले लेंगे वही सिंबल हमारा जिता के छोड़ेंगे, जिता के जिता के जिता के, ये जितने हम लोग छोड़ेंगे पक्का पक्का पक्का। देखो उनको चुन के कौन लाते थे, हम लोग शिवसैनिक लाते थे ना, हमारे हाथ में, हम पब्लिक के साथ टच में है, ये आमदार ये खासदार ये लोग पब्लिक के साथ नहीं है टच में, वरना अकेले आके आके देखो, अभी देखो जरा इलेक्शन में खड़े घूम रहा है शिवसैनिक, हम लोग को हमको पहचानते हैं शिवसैनिक के हिसाब से, तुम लोग से चुन के आते है, आमदार करके नहीं आते, खासदार करके नहीं आते, वो हम लोग शिवसैनिक उनके लिए टीम बन काम करते हैं, हम उनके पर हम जो सिंबल बताते हैं वो लोगों के दिल में बैठ जाता है। शिंदे गुट की गद्दारी पर क्या कहेंगे आप? हाँ गद्दारी नहीं, गद्दारी बोलना है क्या बोलना है, ये तो ऐसे गंदे आदमी है जो अपनी माँ का पल्लू खींच के हंसने वाले आदमी लोग, इन्होंने जिसने इनको इतना बड़ा बना दिया, वो हमारी माँ है, शिवसेना जी थी हमारी माँ थी,
आज उन्होंने उनका एक एक वस्त्र उतार रहे और साइड में बैठ के साइड में देख के तमाशा देख रहे है, हंस रहे है, देखो देखो इसका सिंबल गया, देखो इनका नाम गया, हंस रहे है। उनको क्या गद्दार भी बोलना, बहुत उनको गद्दार बोलना भी उससे भी बहुत बुरा बोलना चाहिए। माता थी तो उद्धव ठाकरे उनके भाई जैसे थे और इसके अलावा बाला साहिब ठाकरे पिता थे, तो कहीं ना कहीं पिता साहिब का नाम छीना। बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ये माँ का पल्लू खींच के हंसने वाले और पिताजी के सामने दांत दिखाने वाले इन लोग इंसान, इनको गद्दार बोलना भी है ना, उसको तो बहुत बुरी तरह से बोलना चौपा नहीं, इनको बहुत गंदा बोलना चाहिए जो अभी हम नहीं बोल सकते। हमारे दिल में बहुत है, और ये बात हमारी नहीं है सर, वो सब पब्लिक की है। आपने जब आप देखा रहेगा आप शिवाजी पार्क में आप आए थे कि नहीं, मुझे आई डोंट नो, लेकिन जो आप हम नहीं कहते थे इससे बात करो उससे बात करो, जमीन पर बैठे थे हम सुबह 7 बजे आपके जब वहाँ पे खड़े थे, हमारा एरिया में है, हमारे इलाका प्रमुख है, हमारी भी जवाबदारी थी शिवसेना भवन की या शिवाजी पार्क की, वहाँ पे आने वाले की वो आए तो हम लोग ने कोई पैसा नहीं किया था, हम लोग ने किसी के साथ व्यवस्था नहीं की थी, लेकिन जैसा हो गया वैसे हम लोग जहाँ हम लोग को मालूम है सुबह 6 बजे से यहाँ पे पब्लिक आने चालू हो गई सेना भवन के पास, तो फिर हम लोग सुबह आके यहाँ पे बैठे थे, हमारे अजीत भाई थे, हम आए थे, और आपको ताजुब होगा कि हम सुबह आने के बाद जब लोगों को मालूम पड़ा कि इनको नहाने का है, इनको जो नैसर्गिक विधि के लिए इनको ज़रूरत है, जीएम सिंह ने थोड़ी बहुत की थी लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं की थी, लेकिन हम लोग ने जब यहाँ के जो हॉल वाले हैं और लॉजेस वाले हैं हम लोग ने इनको सुबह 6 बजे जब बुलाया, सुबह ऐसे बाहर से ग्रामीण लोग आए हुए हैं उनके लिए हम लोग को कुछ हम नहीं कहते कुछ करो, हम लोग लेकिन नहाने धोने के लिए नेचुरल जो विधि है उनके लिए उनको टाइम, उन्होंने अपना हॉल रूम्स सब खोल के दे दिया। ये जो जज्बा है ना आज पब्लिक में, वो जज्बा है इनको देखे सब, ये जो गद्दार लोग हैं ना इन लोगों को मालूम नहीं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सोए हुए शेर को जगा दिया। बहुत अच्छा होगा जो बोलते हैं ना बुरे में अच्छा होता है, शिवसेना के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत बोलेगा तो बहुत अच्छा। क्या लगता है कौन सा चिन्ह आपके लिए हो? कोई भी चिन्ह आने दो, जो चिन्ह हम दे देंगे उद्धव साहब हाथ में ले लेंगे, बस समझ लीजिए कि हो गए हमारे जीत पक्का। अभी तो सिर्फ इसके लिए हम देखते हैं, हम भी अभी न्याय देवता पे हम हमारा विश्वास है, लग रहा है कि ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हम लोग का इमरजेंसी था इसलिए टेम्पोरेरी स्थगित किया है, देखते हैं अभी बहुत तकलीफ दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को, कोई बात नहीं जितना दर्द देंगे ना उतना ही उसका 2 गुना 10 गुना इनको देना है वापस, और हम बता देंगे इनको शिवसैनिक किया है, इसलिए वो हम लोग का चिंता नहीं है, शिवसैनिक नहीं बोला हमको, शिवसैनिक ही देना मंत्री दम तक देने वाले, कोई भी आए कोई भी जाए हम तो बस बाला साहब उद्धव साहब जिंदाबाद। शिवसेना के नाम को लेकर लगातार लड़ाई हो रही है, अब जिस तरीके से प्रबोधनकार ठाकरे का नाम उद्धव ठाकरे की तरफ से सुलझाया गया, उसके बाद अब शिंदे गुट की तरफ से कहीं ना कहीं पिताजी का नाम तो छीन ही लिया गया, बाल ठाकरे नाम छीन लिया गया, शिवसेना का चिन्ह छीनने की तैयारी में पूरी तरीके से लग चुके हैं। इसके अलावा प्रबोधनकार ठाकरे जो कि दादा है उद्धव ठाकरे के, उनके नाम को भी छीना जा रहा है, अभी जो इलेक्शन कमीशन को नाम सुझाया गया है उद्धव शिंदे गुट की तरफ से सुझाया गया है प्रबोधनकार ठाकरे का भी नाम, तो क्या कहना है? छोड़ने को क्या बोलेंगे बाप, अभी वो उद्धव साहब ने बोला ना वो बच्चा चुराने वाली टीम थी, अभी ये बाप चुराने वाली टीम आ गई, उनके ऊपर कुछ बोल नहीं सकते और क्या चुराएंगे वो, अभी कल बोलेंगे ये भी मेरा है वो भी मेरा है वो भी मेरा है, और भी कुछ बोलेंगे बम्बई भी मेरी है, कुछ बोल नहीं सकते। ये जो अभी गाड़ी में घूम रहे हैं ना ये लोग, मर्सिडीज बोलो BMW बोलो, और वो जो पहले शुरुआत की थी जैसे मेरे जैसे चाकर पहुँच थे तब वो क्या थे और आज वो क्या है, वही धनुष बाण वही बाला साहब ने उनको बनाया, और आज वो बोल रहे हैं वो हमारा है इतना बड़ा करके, और क्या बोलेंगे उनको, कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है उनके लिए, इतने नीच हरकत की है उन्होंने। और मैं तो आपको बोलता हूँ आप मेरा ओपिनियन छोड़ो लोगों का ओपिनियन ले लो, लोग भी इसके अगेंस्ट बोलेंगे 100% अगेंस्ट बोलेंगे, विश्वासघात ही है ना, आपने किसी को घर में रहने के लिए पनाह दी और वो आपको ही घर से बाहर निकाल रहा है, ऐसा हो गया ना वो। लेकिन देखो ये आपको अंधेरी का इलेक्शन है, पहला अंधेरी का इलेक्शन में आपको रिजल्ट दिखेगा, कौन सा भी चिन्ह रहने दो शिवसेना जीत के दिखेगी, और जीतेगी ना तो दिल्ली हाथ अड़ जाएगी पूरी दिल्ली। चलिए ये बात है ना ये अपना अंधेरी का, ये सिंधे गुट को मालूम है हमने हारने वाले,
रास्ते उसका उम्मीदवार नहीं दे रहा, अभी सही बोल रहा, हम नहीं देंगे। अरे मर्द का बच्चा है तो आ जाओ अंधेरी में, माइंड में बोल के बोल रहा हूँ, अंधेरी में आ जाओ, आपको बता देंगे कौन शिवसेना की और क्या शिवसेना है। ये था शिव सैनिकों के अंदर जज्बा, जिन्होंने कहा कि अब अंधेरी का चुनाव पहले होने वाला है, हम इस सीट को किसी भी कीमत पर जीत कर लाने वाले हैं। इसके अलावा हम मुंबई पर भी पूरी तरीके से फतह करने वाले हैं, दिल्ली को भी यहाँ की तस्वीरें देखने में इस तरीके का आश्चर्य होगा कि किस तरीके से शिव सैनिकों के अंदर आक्रोश है और क्या कुछ उमंग है अगले चुनाव को लेकर, चाहे चिन्ह कोई भी हो या नाम कोई भी हो। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।